वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर सिक्स के एक टॉपिक को यहाँ समझने जा रहे हैं जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक कोडोन को याद किया जाए जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडोन को किस तरीके से याद किया जाए तो आज हम उसकी एक शॉर्ट टेक्निक सीखने जा रहे हैं तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन सिंबोड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि जेनेटिक कोडोन जो है वो किस तरीके से याद करना होता है अब देखिए भाई ये जो पेपर में है ना ये पूरा एक चार्ट दिया हुआ है अब पेपर में जो है वो आपसे ये कोई भी तीन नाइट न्यूक्लियोटाइड तीन नाइट्रोजीनस बेस की जो है वो आपसे सिक्वेंस दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसका अमाइनो एसिड क्या है मतलब आपसे जो है वो सी ए सी लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका अमाइनो एसिड कौन सा है इसी तरीके से जो है वो आपसे आपको दिया हुआ अगर जी यू यू का कौन सा अमाइनो एसिड है अब बच्चा परेशान कि यार मैं इसको याद कैसे कर लूँ और पहली बात कि अगर मैं इसको याद कर भी लूँ तो क्या ये पेपर में मुझे याद रहेंगे बीच में से कोई भी तीन नाइट्रोजिनस बेस की तीन न्यूक्लियोटाइड की आपको जो है वो सिक्वेंस दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इसका बताएं आप बताएं कि इसका अमाइनो एसिड कौन सा होगा क्योंकि मैसेंजर आर जो है ना मैसेंजर आर के पास तीन तीन न्यूक्लियोटाइड की मैसेंजर आर के पास तीन तीन न्यूक्लियोटाइड की एक सिक्वेंस होती है उसे हम कहते हैं कोडोन या जेनेटिक कोड और हर कोड का अपना एक अमाइनो एसिड होता है हर कोड का एक अपना एक अमाइनो एसिड होता है और एप्टीट्यूड का बड़ा ये फेवरेट सवाल होता है इसमें कोई भी एक कोड दे दिया जाएगा जैसे मिसाल के तौर पर सी ए यू सी ए यू जो है साइटोसिन एडिनिन यूरेसिल सी ए यू जो है इसका एसिड क्या हैस्टेडिन इसी तरीके से सी यू यू साइटोसिन यूरेसिल यूरेसिल इसका अमाइनो एसिड कौन सा है ल्यूसिन अब बच्चा परेशान कि यार बीच में से पेपर में कोई भी आपको कोडोन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप बता दें कि इसका जो है वो अमाइनो एसिड कौन सा है इसका अमाइनो एसिड क्या है तो आज हम आपको बाकायदा जो है वो एक टेक्निक बताएंगे कि ये पूरा चार्ट जो है वो आप 10 मिनट में गौर से सुनिएगा पूरा चार्ट ज़्यादा देर नहीं सिर्फ 10 मिनट में आप इसको इतनी ज़बरदस्त टेक्निक से याद कर लेंगे कि आपसे कोई भी कोई भी अमाइनो एसिड के पूछे या बागार सवाल ये भी होता है ना कि प्रोलिन के चार कोडोन बताऊँ प्रोलिन के चार कौन कौन से कोड हैं तो आपको जबानी याद होने चाहिए कि के चार कौन कौन से हैं सीसीयू सी सी ए सीसी तो मैं आपको आज की इस वीडियो में 10 मिनट में आपको टेक्निक बताऊंगा कि ये पूरा चार्ट 10 मिनट में कैसे याद हो सकता है तो आइए हम बाकायदा सीखने जाते हैं आज के इस चार्ट को रिमेंबर करना तो हमने जो है वो एक यहां जो है एक बॉक्स बनाया देखें आपने जो है वो स्केल लेनी है और आपने स्केल से क्या करना है बॉक्स बना लेना है फोर बाय फोर का बॉक्स बना लिया फोर बाय फोर का आपने क्या कर लिया है ये बॉक्स बना लिया सही है भाई अब आपने जो है वो फोर बाय फोर का ये बॉक्स ना चार चार हॉरिजॉन्टल में है चार वर्टिकल रो में है इसी तरीके से फोर बाय फोर का बॉक्स बनाने के बाद आपने क्या करना है नंबर देना है वन टू थ्री इस सीक्वेंस में देखो नंबर की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आपने तमाम बॉक्स को इस सीक्वेंस में क्या कर दिया है आपने नाम दे दिया अब जो है वो आपने जो चीज याद रखनी है वो सिर्फ ये है यू सी ए जी क्या करना है यू सी ए जी सही है भाई ये सीक्वेंस याद के यूरेसिल साइटोसिन एडिनिन गोन आपने जो एक सिक्वेंस याद कर ली ए जी सेम इसी तरीके से पहली जो सिक्वेंस होगी ना ए जी यहां होगी फर्स्ट ये है सेकेंड ये है यू सी ए जी और थर्ड जो होगा सी ए जी ए जी यूसी जी ए जी यह आपने याद करना है तो भाई पहला जो आपने फोर बाय फोर का आपने बॉक्स बना लिया फोर बाय फोर का बॉक्स बनाने के बाद आपने जो फर्स्ट नाइट्रोजेनियस बेस होगी फर्स्ट न्यूक्लोटाइप की जो सिक्वेंस जो पहला वर्ड आएगा वो यहाँ से आएगा यू सी ए जी दूसरा जो होगा वो यू सी ए जी और थर्ड जो होगा वो यू सी ए जी करके होगा अब मुझे पहले बॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ गौर से सुनिएगा पहले बॉक्स में जो है वो चार न्यूक्लो की सिक्वेंस थी ना तो मुझे पता है कि पहला जो है वो मुझे यहां से लाना है यू 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 चारों का पहला अल्फाज जो, हो जो होगा वो यहां से आएगा दूसरा अल्फाज जो होगा वो यहां से आ जाएगा यू 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 और तीसरा जो होगा वो यहां से आ जाएगा यू सी ए जी चलो भाई तीसरा आ गया यू सी ए जी ये बन गया इसी तरीके से दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरे के लिए क्या होगा पहला अल्फाफ यह आ जाएगा सी 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 दूसरा अल्फाज कहाँ से आएगा ऊपर से आएगा यू 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 और तीसरा जो अल्फाज होगा वह यहाँ से आ जाएगा यू सी ए जी यू सी ए जी हो गया अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे दसवें का अगर बढ़ना है कि इस बॉक्स नंबर टेन मुझे नहीं पता बॉक्स नंबर टेन में कौन कौन सा चार न्यूक्लियो चार कोडोन आ रहे हैं तो मुझे अगर फिल करना है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले ये होगा पहला जो होगा वो यहां से आ जाएगा तो टेन बॉक्स होगा वह सी 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 दूसरा जो होगा वो ऊपर से आ जाएगा ए, ए ए ए और तीसरा जो होगा वो यहां से आ जाएगा यू सी ए जी अब मुझे नहीं पता बॉक्स नंबर ट्वेल्व में कौन कौन से कोड होने लेकिन बॉक्स नंबर ट्वेल्व के कौन से होंगे पहला मुझे पता है ये यह यहां से आ जाएगा जी 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 और जी दूसरा जो होगा वो ऊपर से आ जाएगा ए ए, ए, ए ए ये भी बन गया ये भी हो गया अब जो है वो तीसरा जो होगा यहां से आ जाएगा यू सी ए जी इसका मतलब जो है हमें कोई भी बॉक्स है ना कोई भी बॉक्स हमें अगर फिल करने का कहा जाए ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पंद्रहवां सोलवा सातवां आठवां कोई भी अगर बॉक्स फिल करने को कहा जाएगा हम फिल कर लेंगे हमें हालांकि नहीं पता कि इस बॉक्स में कौन कौन से कोटोन है मुझे नहीं पता इस बॉक्स में कौन कौन से लेकिन मुझे टेक्निक पता है ना कि पहला जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा ए ए, ए ए दूसरा जो होगा वो ऊपर से आएगा सी 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 और तीसरा जोड़ा यहां से आ जाएगा यू सी ए जी इसके चार कोडोनिए तो मुझे जो वो टेक्निक पता चल गई कि, कि किस बॉक्स में कैसे कौन कौन से चार कोडोन है वो मैं फिल करना चाह चुका हूँ किस बॉक्स में कौन कौन से चार कोडोन है जो खाली है वो भी भरना तो आप सीख चुके हो तो हमने कहा कि मुझे वो टेक्निक आ गई अब कौन से बॉक्स में कौन सा अमाइनो एसिड है वो हमें याद करना पड़ेगा कौन से बॉक्स में कौन सा अमाइनो एसिड है वो हमें याद करना होगा तो आपने इस सीक्वेंस में जो है जिसको याद करने के लिए आपको देखो ये तो टेक्निक थी ये आप सीख चुके ये रट्टा मारने की अब ज़रूरत नहीं अब जो है वो ये आपने याद करना है जो दस मिनट में आपने जो तो याद करना है ना वो ये करना है आपने वन से लेकर सिक्सटीन तक नंबर लिखे और उसमें आपने जो है वो बॉक्स नंबर वन फिनाइल एलिन ल्यूसिन दो अमाइनो एसिड है अब जो है वो उसके साथ मैंने यहाँ लिखा ए और बी ए और बी का मतलब है कि इस बॉक्स के जो पहले दो हैं, इस बॉक्स के जो पहले दो कोडोन हैं, वो फिनाइल एलिनिन को शो कर रहे हैं और तीसरा और चौथा सी और डी लिखा है ना तीसरा और चौथा जो, जो है वो ल्यूसिन को शो कर रहा नंबर टू के साथ सिर्फ ल्यूसिन लिखा हुआ है इसका मतलब नंबर टू के जितने भी कोडोन है नंबर टू के हमने जितने भी कोडोन बनाए हुए हैं नंबर टू के जितने भी है हैं सबके सब किसे शो कर रहे हैं ये सब के सब ल्यूसिन को शो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सबके सब ल्यूसिन को शो कर रहे हैं नंबर थ्री की अगर मैं बात करता हूं आइसो है ना आइसोल्यूसिन के साथ लिखा हुआ मीथ्योनिन मिथोनिन क्या है स्टार्ट कोडोन भी है मिथोनिन क्या है स्टार्ट कोडोन भी है यहीं से जो है वो जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस होगा वहीं से ट्रांसलेशन का जो सिलसिला होता है वो बाकायदा स्टार्ट होगा कैसे होगा वो अगले लेक्चर में होगा आज तो सिर्फ हम कोडोन याद करना सीख रहे हैं तो ल्यूसिन का तो मुझे पता चल गया कि ल्यूसिन का ताल्लुक बॉक्स नंबर टू से इसी तरीके से बॉक्स नंबर थ्री का मुझे नहीं पता बस इतना पता था कि बॉक्स नंबर थ्री में आइसोल्यूसिन आता और मिथोनिन है मिथोनिन के साइड पर डी लिखा हुआ है मिथोनिन के साइड पर क्या लिखा हुआ है डी इसका मतलब पहले के जो तीन है पहले के जो तीन है वो कैसे शो कर रहे हैं आइसोल्यूसिन को और जो चौथा है वो मिथोनिन को शो कर रहा है और मुझे नहीं याद कि आइसोल्यूसिन में क्या था मैंने जल्दी से रफ में क्या क्या फोर बाई फोर का बॉक्स बनाया और मैंने जल्दी से क्या किया मैंने लिखा पहला जो है वो ए ए, 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 ए। दूसरा जो है वो मुझे मालूम है ऊपर से आ जाएगा यू 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 और तीसरा जो है वो यू सी ए जी था यू सी ए जी अब मुझे पता चल गया है कि हमारे पास जो आइसोल्यूसिन ये तीनों जो है वो क्या है आइसोल्यूसिन के कोडोन है और ए यू जी क्या है मिथ्योन का कोडोन है ए यू जी क्या है मिथ्योन का कोडोन है जिसे हम क्या कहते हैं स्टार्ट कोडोन कहते हैं अब पेपर में आ गया पेपर में आ गया कि यार वेल सीरिन जो है ना सीरिन के चार कौन कौन से कोडोन हैं चार ऑप्शन बने हुए आगे और पूछा जा रहा है कि सीरीन का इनमें से कौन सा कोडोन नहीं है या सीरीन का इनमें से कौन सा कोडोन है मुझे याद नहीं था मुझे सिर्फ इतना याद था बॉक्स नंबर फाइव में सीरिन था मुझे इतना याद है कि बॉक्स नंबर फाइव में क्या था सीरीन था तो बॉक्स नंबर फाइव में जो है वो सीरीन था तो मैंने जल्दी से जो है वो रफली ये बना लिया फोर बाय फोर का बॉक्स और मुझे पता है कि यहाँ जो फाइव में जो स्टार्ट आएगा वो यू 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 होगा और जो ऊपर से जो आएगा वो सी आएगा सी 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 और जो तीसरा होगा वो यू सी ए जी होगा यू सी ए जी अब मुझे पता चल गया भाई कि भाई ये जो हमारा जो सीरिन है ना सीरिन जो अमाइनो एसिड है उसके चार कोडोन है यू सी यू यू सी सी यू सी एू सी जी एम सी यू में देख लिया कि भाई ये चारों इसके हैं इसके अलावा जो जो दूसरा है वो इसका कोडोन नहीं है सेम सीमसीद इस पेपर में आ गया भाई प्रोलिन जो है प्रोलिन का इनमें से कौन सा कोडोन है मुझे तो ज़बानी याद नहीं है मैंने जल्दी से किया गया बस मुझे इतना याद था बॉक्स नंबर सिक्स जो है वो प्रोलिन है मुझे इतना याद था बॉक्स नंबर सिक्स क्या है प्रोलिन तो मैंने जल्दी से क्या किया रफली जो वो फोर बाई फोर का बॉक्स बनाया और मुझे पता है फोर फोर सबसे पहले जो यहां जो आएगा वो क्या आएगा सी 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 दूसरा जो होगा वो ऊपर से आएगा वो भी सी 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 तीसरा जो होगा भाई यहां से आ जाएगा यू सी ए जी चल भाई मुझे पता चल गया नंबर सिक्स में कि भाई प्रोलिन के ये चार हैं सी सी यू सी 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 ए सी सी जी सही है अब इसी तरीके से जो है अब जो है वो आपने जो है वो ये टेक्निक बता दी ना अमाइनो एसिड दिया जाएगा पूछा जाएगा कोडोन किया तो आपको बॉक्स नंबर याद रखना है तो बॉक्स नंबर वन में जो है आपको मालूम है कि शुरुआत के दो फिनाइल एलिन हैं और बाद के, है है। के जो दो हैं वो सी डी हैं बाद के जो दो हैं वो बाद के दो ल्यूसिन हैं तो मुझे पता है कि फ़िनाइल एलिन के ये दो हैं और ल्यूसिन के ये हैं इसी तरीके से बॉक्स नंबर टू पूरा का पूरा ल्यूसिन है इसी तरीके से आइसोल्यूसिन में हमने मुझे इतना याद था कि बॉक्स नंबर थ्री के जो शुरुआत के तीन है वो आइसोल्यूसिन और चौथा जो है वो मीथियन है इसका मतलब जो है ये तीनों आइसोल्यूसिन और ये क्या मीथोनिन है हालांकि मुझे रट्टा नहीं लगे हुए मुझे रट्टा नहीं लगे कि ए यू जी और ये क्या ये तो मैं ख़ुद बना रहा हूँ इसी तरीके से अगर पेपर में मेरे पास जो आ गया अब जो है वो इसी तरीके से बॉक्स नंबर फोर वेलिन है फाइव सीरिन है सिक्स जो है वो प्रोलिन है सेवन थ्रियोनिन है एट जो है वो एलिन है अब यहाँ से ये तो बिल्कुल इजी थे ना फोर नंबर पे वैली इन फाइव क्योंकि एक बॉक्स में जो है वो एक बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही एम आइन हो लेकिन आपने जो याद करना पड़ेगा ना वो इन इन चार पे थोड़ी सी मेहनत करनी है भाई टायरोसिन जो है वो बॉक्स नंबर नाइन जो है उसमें टायरोसिन शुरुआत के दो हैं और बाद के दो जो है वो स्टॉप कॉटोन है अब मुझे नहीं पता कि टायरोसिन का काटोन क्या है लेकिन मुझे इतना पता है बॉक्स नंबर नाइन था जल्दी से फोर बाय फोर का बॉक्स बनाया यू 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 ऊपर से ए ले लिया ए ए ए यू सी ए जी चल भाई बन गया यू सी यू सी ए जी चल भाई अब मुझे इतना पता है बॉक्स नंबर नाइन जो था ना मुझे इतना था कि बॉक्स नंबर जो नाइन था उसके शुरुआत के दो जो हैं वो है वो टैरोसिन है बाद के जो दो हैं वो क्या है स्टॉप कोडोन यहाँ जो है वो ट्रांसलेशन होना क्या हो जाती है बंद हो जाती है इसी तरीके से बॉक्स नंबर टेन जो है मुझे इतना याद है कि शुरुआत के दो हिस्टाटीन है बाद के दो क्या हैं ग्लूटामिन है तो ये दो हिस्टाटीन है और ये क्या है ग्लूटामिन है अब बॉक्स नंबर 11 है उसमें जो है वो शुरुआत के दो मुझे इतना याद है कि शुरुआत के दो जो एस्पार्टजीन है और बाद के दो क्या है लाइसिन है मुझे कोडोन याद नहीं है लेकिन कोडोन तो बनाना है मुझे आसान है बॉक्स नंबर 11 मुझे पता है कि पहला जो होगा वो यहाँ से आएगा ए दूसरा जो होगा वो ऊपर से आएगा ये भी ए और तीसरा जो है वो यू सी ए जी चल भाई अब मुझे पता चल गया कि बॉक्स नंबर अलेवन में जो है वो शुरुआत के दो जो है वो एस्पारजीन है बाद के दो क्या है लाइसिन है इसी तरीके से बॉक्स नंबर ट्वेल्व में शुरुआत के जो दो हैं वो एस्पार्टिक एसिड है ए बी लिखा हुआ है बाद के दो जो क्या है ग्लूटामिक एसिड है बॉक्स नंबर थर्टीन की अगर मैं बात करता हूँ बॉक्स नंबर थर्टीन में शुरुआत के दो जो हैं वो सिस्टीन है तीसरा स्टॉप है और चौथा जो है वो ट्रिप्टोफेन है मुझे नहीं पता वो कौन कौन से कोडोन है लेकिन मैंने जल्दी से फोर बाय फोर का बॉक्स बनाया और मुझे पता है कि फोर बाई फोर का बॉक्स का जो पहला हिस्सा जो होगा वो यू होगा यू 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 और ऊपर से जो होगा वो जी आ जाएगा जी 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 जी, जी। और तीसरा जो होगा वो यू सी ए जी अब मुझे इतना पता था कि शुरुआत के जो दो हैं ना बॉक्स नंबर थर्टीन में शुरुआत के दो जो है वो सिक्सटीन है तीसरा स्टॉप है और चौथा जो है वो क्या है ट्रिप्ट है बॉक्स नंबर फोटीन बहुत ही आसान है क्योंकि इस पूरे बॉक्स में जितने भी कोडोन है सबके सब आर्जिनिन को शो करते हैं बॉक्स नंबर फिफ्टीन में शुरुआत के दो सीरन को शो करते हैं बाद के दो क्या करते हैं आर्जिन को शो करते हैं और सिक्सटीन जो है वो क्या कर रहा है गलाइसिन को शो कर रहा है अब आप बोलेंगे सर इतना साफ सुथरा बॉक्स बनाया हुआ है तो क्या हम पहले से वहाँ बनाएंगे टाइम वेस्ट नहीं होगा अब देखो मिसाल के तौर पर बॉक्स नंबर मुझे इतना याद है बॉक्स नंबर सिक्सटीन में ग्लाइसन है और पेपर में आ गया कि गलाइसिन के कोडोन बता दो कैलाइसिन के कौन कौन से कोडोन है मुझे नहीं पता तो मैंने रफली क्या किया फोर बाय फोर का जो है वो फोर बाय फोर का मैंने जो है वो बॉक्स जल्दी से बना लिया देखो रफली मैं फंस गया ना मुझे नहीं पता कि क्या था लेकिन मुझे इतना पता था यू सी ए जी यू सी ए जी और यहाँ में डायरेक्ट आ गया यू सी ए जी मुझे इतना पता है ना सिक्सटीन वाला बॉक्स तो ये है सबको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है तो मुझे पता है पहला यहाँ से आ जाएगा देखो भाई पहला जो है वो यहाँ से आ गया जल्दी से जी 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 ऊपर दूसरा जो होगा वो ऊपर से आ जाएगा तो ये भी हो गया जी 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 और इसी तरीके से यू सी ए जी यू सी ए जी हो गया काम चारों कोटोन मुझे पता चल गया कि ग्लाइसिन की क्या है यकीन ना है तो आप कंफर्म कर लें यकीन ना आए तो आप टेक्स्ट बुक से कंफर्म कर लें क्या मैंने ग्लाइसिन के सही कॉटोन बनाए नहीं बनाए ग्लाइसिन के सही कॉटोन बनाए नहीं क्या कह रहा है देखो भाई चार कोटोन मैंने सोच जी 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 यू जी जी सी जी जी ए जी 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 यही चारों कोटोन किसके हैं ग्लाइसिन के तो सेम आपने जो सिर्फ याद करना है फोर बाय फोर का बॉक्स बनाना सीखना है याद नहीं करना फोर बाय फोर का बॉक्स बनाना सीखना है यूसीए जी यूसी जी यूसी जी ये सीख लिया आपने अब जो है वो याद आपने सिर्फ दस मिनट में ये करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये तो ऑर्डर में वैसे ही आपने कई चीजें याद की होती हैं बॉटनिकल नेम याद नहीं किए आपने प्लान टीम ये में ना तो सेम आपने वन से लेकर सिक्सटीन तक जो है वो आपने इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है जिस जिसपे दस मिनट लगेंगे दो तीन बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो पेपर में आप क्या हो जाओगे चैंपियन हो जाओगे आपको सिंपल अमाइनो एसिड का नाम पूछा जाएगा उसी वक्त फोर बाय फोर का बॉक्स बनाकर आप क्या कर लोगे इसका जवाब दे दोगे उम्मीद है आज की ये टेक्निक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी और आपको एप्टीट्यूड तक ये पूरा चार्ट बहुत पक्का याद करने में मददगार साबित होगी तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक जरूर अदा करें याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते तो आपका इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका एजारिया बन सकता है थैंक यू वेरी मच